इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सहेली एक्सक्लूसिव लेडीज वेयर सुहाग ज्वेलर्स के सामने सरदारपुरा बी रोड जोधपुर। वेस्टर्न आउटफिट ड्रेस मटेरियल रेडीमेड सूट डिजाइनर कुर्तियां पटियाला सूट लेगिंग्स स्टॉल्स दुपट्टे जींस ट्राउजर्स ओ माय गॉड वगैरह वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ चरम रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुलर साहब से। क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो कई सारी समस्या होती है, तो कुलर साहब हमें बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जाए, क्या क्या बीमारी है। तो अच्छा, नमस्कार कुलर साहब, पहले तो आपका आभार कि आपने हमारे माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी जी। इसलिए इसमें सभी का फायदा है। इसमें जहाँ तक चरम रोगों का सवाल है, वैसे तो आजकल पूरे वर्ष में ही रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में कुछ बीमारियाँ अधिक मात्रा में होती हैं जी। और हम लोग तो ऐसे सन सिटी में रहते हैं, सूर्य नगरी में, तो ज़्यादा ही मेहरबानी रहती है गर्मी की यहाँ पे लोगों को जी। तो पहला तो ये होता है, इस मौसम में पसीना बहुत आता है जी। और जो लेबर क्लास पीपल हैं या जो लोग धूप में ज़्यादा निकलते हैं जी। तो सबसे पहले तो पसीनों से अलाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। कॉमन, सबसे कॉमन चीज़ें अलाइयाँ होना, जिसको साइंटिफिक भाषा में मिलीरिया कहा जाता है। अच्छा अच्छा। बारीक बारीक लाल लाल दाने होते हैं जी, मेनली पीठ पर, पेट पर, साइड्स में होते हैं जी। और इनमें कांटों जैसी चुभन महसूस होती है। इससे पिछले कुछ समय से ये घमौरियाँ जिसको बोलते हैं। हाँ जी, घमौरियाँ, बिल्कुल घमौरियाँ हमें भी होती थी, पर इन दिनों तो पिछले कुछ सालों से कम हो रही है। ऐसे नहीं, जैसे आप लोग अगर लेबर क्लास मैंने बोला, जिन लोगों को ज़्यादा पसीना, जैसे जो आदमी चुनाई का काम कर रहा है, मजदूर दिन भर धूप में खड़े काम कर रहा है, मौसम की गर्मी प्लस सीमेंट की गर्मी, तो पसीनों से लथपथ हो जाता है शाम तक, तो पूरे कपड़े भीग जाते हैं पानी में, अपन निचोड़ सकते हैं, इतना पानी हो जाता है उनके पसीनों का, तो उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है। और कांटे में जैसी चुभन होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कोई गर्मी में धूप में नहीं है, छाया में है, और अगर गर्मी है, हवा नहीं है कहीं कहीं पे, जैसे एसी कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, उसमें भी उसको घमौरियाँ, बिल्कुल उमस की वजह से हो जाएगी ना। अच्छा, वहाँ पर उमस हो गई, उमस की वजह से, गर्मी है चाहे उमस है, उमस में पसीने काफ़ी आएंगे, उसमें काफ़ी होगा। और इससे बचाव का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि एक तो सुबह शाम दोनों टाइम इसे स्नान करना, साबुन का प्रयोग थोड़ा कम करना। सर, बिना साबुन के तो ऐसा लगता है हम नहाए नहीं अभी तक। नहीं, इसमें साबुन थोड़ा नुकसान करता है, ज़्यादा लगाना नुकसान करता है। अच्छा अच्छा। लगाएं पर थोड़ा सा लिमिट में लगाएं। और इसके लिए सबसे उत्तम रहता है मेट से स्नान करना, देसी उपचार है मेट, मुल्तानी मिट्टी जो होती है, बरसों पुराना उपचार है, बिल्कुल। तो मुल्तानी मिट्टी को भिगो करके उसका पूरे बदन पर लेप कर लिया जाए। पहले तो लोग पूरी पूरी रात लगा के रखते थे, अब उतना तो संभव नहीं है। वो बच्चे भी हम लोग छोटे थे जब आधा घंटा एक घंटा लगा के रख लें उसको जी। और फिर ठंडे पानी से स्नान कर लें जी। नींबू पानी का या विटामिन सी का, मौसमी का, इनका सेवन ज़्यादा करें। अच्छा अच्छा। इससे भी इसमें काफ़ी उपचार में राहत मिलती है इससे। इसमें ऐसी कोई बीमारी है स्किन की जो जिसका इलाज नहीं है, बस आप फौरी तौर पर उसको राहत दे सकते हैं, पर अभी कंप्लीट इलाज नहीं है, ऐसी कोई बीमारी है स्किन में? जैसे एलर्जी डिसऑर्डर जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए लेबर क्लास की बात हुई, तो सपोज करिए सीमेंट से एलर्जी है। अच्छा। या आपको किसी दवाई गोली से रिएक्शन होता है, एलर्जी है। हाँ। तो उसको इलाज ये है कि उसको अवॉइड करें। अच्छा। अगर जैसे किसी गोली से आपको एलर्जी रिएक्शन होता है, वो गोली जब भी खाएंगे रिएक्शन होगा। नहीं, स्किन के डॉक्टर जैसे कोई स्किन की परेशानी है और उसका अभी तक इलाज नहीं है, बस आप फौरी तौर पर राहत दे सकते हैं, पर कंप्लीट एकदम ठीक हो जाए वैसा नहीं। ऐसी कई बीमारी है, लंबे टाइम इलाज देना पड़ता है, तभी पूरी ठीक नहीं होती है। जैसे सोरायसिस है, ये किससे होती है? स्वतः होने वाली ऑटो इम्यूनिटी बेस्ड हैं ये सब, तो ये किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती हैं। अच्छा। इसमें कोई ना तो अमीर गरीब का मतलब है, ना कोई आपके कास्ट का मतलब है, ना कोई जगह का मतलब है, कहीं से नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। वैसे इसकी वजह क्या होती है, पर्टिकुलर कोई खास वजह की ये इससे तो होती होती है? नहीं नहीं, ऐसा कोई वजह अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, अचानक उठे और आपको पता चला सुबह सोने से। बिल्कुल सर, इससे उससे मतलब शरीर पे क्या महसूस होता है, क्या लगता है, क्या होता है? नहीं, पहले बात, यहाँ पर थोड़ा सा अपने टॉपिक से अलग आ जाएंगे अपनी बात। जैसे गर्मी की हो रही थी, इसका गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, स्किन की परेशानी है, स्किन की है, बिल्कुल स्किन का, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी। इसमें लाल लाल रंग के चक्कर होते हैं पूरे शरीर पर, और उस पर सफ़ेद रंग की पप्पी उतरती है। अच्छा। और ये बॉडी के किसी भी भाग में हो सकती है, मेनली जैसे घुटनों पर, कोहनियों पर, पाँव में, सिर में, नाखून पे, इन जगहों पर ज़्यादा होती है, और सर्दियों में ज़्यादा होती है ये। अच्छा, इस रोग की तीव्रता सर्दी में ज़्यादा होती है, गर्मी में थोड़ा इसका प्रकोप कम हो जाता है।
सर इसकी होने की वजह कोई जैसे प्रोटीन की कमी या कुछ खान पान से या नहीं, इस पर अनुसंधान चल रहे हैं अभी तक कोई, इसकी वजह यही यही वो बीमारी है जिसमें अनुसंधान चल रहा है, चल रहे हैं कुछ कोई पता नहीं चला। सर अक्सर परफ्यूम और डीओ वगैरह लगाते हैं, इससे भी कई बार स्किन की परेशानी, एलर्जी हो सकती है इनसे? अच्छा, परफ्यूम और डीओ जो भी होते हैं केमिकल्स होते हैं जी, और केमिकल रिएक्ट कर सकते हैं बॉडी पर किसी भी तरह से। अच्छा, और अधिकतर ये परफ्यूम ट्यूब लगाई जाती है बगल वगैरह में, हाँ, तो वहाँ लगी रह जाएंगी, ऊपर पसीना और आएगा वहाँ पे, हाँ, पसीना आएगा तो पसीना साथ ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रिएक्शन करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपने कपड़े पहने उसके ऊपर लगा लो, आप कपड़ों पर लगा लीजिए, हाँ, और जहाँ तक उसके गर्मी के मौसम में ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। दूसरा एक और रोग चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, इसकी क्या वजह है? रीजन की गीलापन, नमी, मॉइस्चर, उमस, और ये भी मतलब काछों में ज़्यादा होता है, बगल में ज़्यादा होता है, जहाँ पे मतलब बॉडी के जो टाइट पार्ट्स हैं जहाँ पसीने आते हैं, जहाँ रगड़ लगती है, हाँ हाँ, वहाँ पे ज़्यादा होता है। और ये कई सालों से बहुत ही मतलब अधिक मात्रा में पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में इसके। अच्छा, इसका भी इलाज काफ़ी लंबा लेना पड़ता है, अधिकांश रोगी पूरा इलाज करते नहीं है, इसलिए बार बार इसके रोगी चपेट में आते रहते हैं। फंगस की बात अपन कर रहे हैं पर्टिकुलरली, फंगस का अपन ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, दवाई स्टार्ट करते हफ्ते 10 दिन में पेशेंट को लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, ठीक मिल गया हूँ। और अक्सर ये होता है स्किन डिजीज में, जहाँ खुजली बंद वहीं इलाज बंद, दवाई खाए तो ठीक हो गया, सर दवाई खाएं जरूरत मने आप, ठीक है? तो वो सिद्धांत यहाँ थोड़ा गलत साबित हो जाता है जी, और रिकरेंस दोबारा हो जाता है, ये दोबारा हो जाता है। अच्छा, वैसे कितने टाइम तक की दवाई होती है फंगस का, जैसे बॉडी के किस पार्ट पे उस पर डिपेंड करता है। जैसे भी दवाई का ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे काछों में है, बगल में है, तो इसमें करीब 2 महीने लेना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी के सिर में है तो 3 महीने तक लेना पड़ सकता है ट्रीटमेंट। अच्छा, हाथ के नाखून की फंगस है तो 5 से 6 महीने लेना पड़ सकता है, पाँव के नाखून किया, तलवों किया तो 1-1.5 साल तक लेना पड़ सकता है। इसमें डॉक्टर साहब लेडीज जेंट्स का भी फर्क पड़ता है इस फंगस में? नहीं, ऐसा कोई, जैसे लेडीज पानी ज़्यादा हाथ देती है, बर्तन धोती है, नहीं नहीं नहीं, उससे ऐसा है कुछ नहीं, वो तो पानी में हाथ देने से या पोछे से तो अलग टाइप की एलर्जी रिएक्शन होता है। अच्छा, हैंड एक्जिमा जिसको बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इंसल डर्मेटाइटिस, दैट एलर्जी बेसिस पर होती है। तो लेडीज का काम होता है पानी का होता है, डिटर्जेंट का होता है, साबुन सर्फ का काम होता है, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, तो उनके फिर हाथ सब्जियाँ वगैरह काटने, खट्टी सब्जियाँ काटने करने का, तो उनके फिर हाथ के पीछे वाले भाग में एलर्जी रिएक्शन होते हैं, वो हाउस वाइफ में होते हैं। अच्छा, वो गर्मी में रंग काला हो जाता है धूप में जाने से, टैनिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन बोलते हैं इसको। तो मुझे गोरा लगना, उसके लिए क्या करूँ? सनस्क्रीन लगाइए। अच्छा, सनस्क्रीन लगाओ, कैप लगा के रखो। वो उसमें भी सनस्क्रीन में भी अलग अलग आता है, वो SPF जो आता है, हाँ, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है SPF जी। तो आपने यहाँ पे कम से कम 40 से 50 का तो लेना ही पड़ेगा आपको, 40-50 SPF लगाते हैं। थोड़ी देर में क्वेश्चन आया, नहीं आजकल अलग अलग आने लग गए, मैट फिनिश के भी आते हैं और ड्राई स्किन रखने वाले भी आते हैं। पहले तो एक ही तरह के आते थे, उसमें पसीना आता था, चिपचिपाहट हो जाती थी, अब वो चीज़ नहीं रही है, अब तो डेवलपमेंट हो गया है काफ़ी। तो मैट फिनिश के लीजिए, उसमें कोई पसीना नहीं आएगा आपको, और पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने लगा रखा है उसमें। मैं फिर आप जैसा गुरा रहूँगा। अरे सर मालिक, और जहाँ तक हो सके मतलब फुल शर्ट्स पहने, फुल कपड़े पहने, कैप वगैरह लगा के रखें, नेचुरल वे में अपन बचाव कर सकते हैं काफ़ी, ऐसा नहीं। वैसे मुझे एक परेशान थी, मैं कई साल तक आपको परेशान करता रहा था, मेरे हाथों में ये जाने हैं, ये धूप से होते थे, धूप से कई साल। तो आपने ट्यूब वगैरह दी थी, एक दिन आपने कहा था कि इसकी बचाव के लिए क्लब्स करना शुरू करो, आई थिंक उस बात को 12-15 साल हो गए मैं क्लब पहनता हूँ कार में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसके बाद तकलीफ नहीं, बचाओ, सबसे बेस्ट चीज़ है बचाओ, बचाओ। अगर हमें मालूम पड़ जाए कि इसका कारण क्या है, बेटर टू अवॉइड, उसको अगर अपन अवॉइड कर देंगे तो अपन वैसे ही ठीक रहेंगे, दवाई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ऐसी कोई बीमारी जो बरसों से चली आ रही है, अभी तक वो लोगों में होती रही है, ये तो होती ही है, और ऐसी कोई बीमारी जो अब इन दिनों शुरू हुई है पिछले 2-5 साल से, क्या ये स्किन की नई बीमारी शुरू हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बीमारी तो वही चल रही है उनके, मतलब सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, प्रारूप चेंज हो जाता है उसका, प्रेजेंटेशन कई बार चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से। डॉक्टर साहब, कई बार आँखों में पलकों पे खुजली आती है बार बार, इसकी क्या वजह होती है? इसका मेन कारण होता है डैंड्रफ। अच्छा, सिर में डैंड्रफ होगी, खुजलियाँ आएंगी, जब बालों जो डैंड्रफ होता है, बालों में डैंड्रफ अपने भौहों पे भी आ जाता है, पलकों पे भी आ जाता है, नाक की साइड में भी आ जाता है, कान के पीछे भी हो जाता है, डैंड्रफ से इतनी जगह। हाँ, बिल्कुल, उसको हम कहते हैं सेवोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं एक तरह से, और मेन रीजन उसका डैंड्रफ होता है।
और अच्छा ये डेटॉल के कई सारे शैम्पू आते हैं मार्केट में, टीवी में खूब सारे विज्ञापन है, ये इफेक्टिव है या जो डॉक्टर्स लिखते हैं वही लेना चाहिए? बेटर तो ये कहूँगा डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए, टीवी वगैरह जो विज्ञापन वाले जो जो ओटीसी आते हैं ओवर द काउंटर वाले हैं वो अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए, क्योंकि शैम्पू में कई तरह के आते हैं, कई कॉम्बिनेशन आते हैं, आपको किसी की जरूरत है तो डॉक्टर बेटर जज करके बताएगा क्या लेना है क्या नहीं। जैसे ब्लैक हेड्स उसके विज्ञापन टीवी में बहुत ज़्यादा आते हैं, खासतौर से लड़कियाँ बड़ा, ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं? ब्लैक हेड्स होते हैं जो अपने चेहरे के ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, पसीनों की ग्रंथियाँ होती हैं और सेबोरिक ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, तो उनकी जो डक्ट्स होती हैं सेबेशियस ग्लैंड्स की वो ब्लॉक हो जाती हैं पसीनों से, या अपने मेल वगैरह जमा होता है उससे ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा। और वहाँ पे फिर वो ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है, उसको ब्लैक हेड्स बोलते हैं। कई लोगों के तो बाल उग जाते हैं। हाँ, उसमें बाल भी आ सकते हैं, जैसे हेयर की है तो बाल आ जाएंगे, स्वेट ग्लैंड्स की है तो वहाँ पे गांठ सी बन जाएगी, छोटी सी गांठ बन जाएगी और पॉइंट ऊपर काला बन जाएगा, ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाते हैं। तो उसमें फिर ये है कि उसको फेस को बार बार अच्छे से क्लीन करते रहें, आजकल फेस वॉश भी आते हैं कई तरह के उसके लिए, तो उसे क्लीन करना है उसको, और तली चीज़ें कम खानी है थोड़ा उसके लिए, फैटी थिंग्स। अच्छा, जैसे आप जो जैसे दवाई बता रहे हैं या ब्लैक हेड्स के लिए करके, तो ये इसकी कोई देसी दवाई आती है या जो डॉक्टर लिखते हैं या टीवी में दिखाई जाती है वो भी इफेक्टिव है? ऐसे मरीज आते हैं आपके पास जब ब्लैक हेड्स के लिए उन्होंने टीवी से वो चीज़ लगा ली और बाद में और समस्या हो गई? नहीं, टीवी में जो दिखाते हैं ऐसा नहीं है कि सारा गलत होता है जी, लेकिन उसको आप उसको किस तरह से प्रॉपरली काम में ले रहे हैं उसका तरीका काम में लेने का टीवी वाले प्रॉपर नहीं समझाते हैं। तो कई ट्यूब होती हैं जो सिर्फ रात में लगाने के लिए होती हैं, कई ट्यूबों को लगाने के बाद मालिश करनी होती है, कई ट्यूब को लगाने के बाद मालिश नहीं करनी होती है, कई ट्यूब दिन में नहीं लगाने की होती है। टीवी पे तो आपने देख लिया साहब ये ट्यूब ब्लैक हेड्स भाई, या यूट्यूब पे देख लिया ये ट्यूब लगानी है, उसी ट्यूब को आपने गलत ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो रिएक्शन हो जाएगा उसका, रिएक्शन हो जाएगा उसका। टीवी पे तो हम आप भी टीवी देखते हैं, हम भी देखते हैं, टीवी पे फिक्स होता है ये एक चीज है ब्लैक हेड्स हटा दिए, उसको मालिश करनी है, लगा के छोड़ना है, रात को लगानी है, दिन को लगानी है, कितनी लगानी है, कितनी लगानी है, कब तक लगानी है। जैसे जैसे आपने ब्लैक हेड्स का बताया, ऐसी जो चेहरे पे छाइयां वगैरह होती हैं कुछ, तो उसके भी टीवी बहुत ऐड आते हैं, काउंटर बहुत ट्यूब्स मिलती हैं, तो एक डॉक्टर गोरेपन की गोरेपन की क्रीम बहुत आती है, उनके भी रिएक्शन बहुत होते हैं इसी वजह से, जो कि जो नेचुरल है उतना ही गोरा रहेगा बंदा, ट्यूब से गोरा इसलिए फर्क पड़ता है, लेकिन वही भी बात हो गई ना कि आपको कितना कैसे कैसे लगानी है, कैसे काम लेनी है और कौन सी काम लेनी है। जी जी, ये बात है, और चिकित्सक का रोल वहीं आता है, बाकी तो सब कुछ आप बुक में भी देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, नेट पे देख सकते हो, आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द। ऐसी कोई बीमारी डॉक्टर जो आप बताना चाहते हैं मैं नहीं पूछ पाया भाई, जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए गर्मियों की जो आपने बात करी खासतौर पर यही हैं, अलाइयाँ हैं और ये आपके फंगस के इन्फेक्शन हैं, और एक फोड़े फुंसी बहुत होते हैं गर्मियों में बच्चों में खासतौर पर। अच्छा। जिसको अपने यहाँ बोलते हैं चेपिया, चेपिया चेपिया बोला जाता है, जैसे उसका जैसे हाँ उसका जो इन्फेक्टेड जो सीरम निकलता है तो दूसरे का लगता है उससे हो जाता है, उसमें वही गर्मी से बचाव रखना है और विटामिन सी का सेवन करना है मेनली। बाकी तो ये धूप से बचाव रखें, तली चीज़ें कम खाएँ, मिर्च मसाले कम खाएँ इस मौसम में, और बेटा जोधपुर की पहचान है। तो मतलब डॉक्टर ये है कि खान पान का भी शरीर के इन तमाम तकलीफों पे असर पड़ता है। बिल्कुल, खास तौर से तली भुनी चीजें और गर्मियों में तली भुनी चीजें ये समस्याएं खड़ी कर देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।